हेलो भाई जहां और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए बात करते हैं आपकी यूपीएसआई वैकेंसी पर। आपका जो है यूपीएसआई 9534 पर आप लगातार देख रहे हो कि मेडिकल्स के नोटिस आजकल कुछ ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। मेडिकल्स के आपने देखा होगा एक आपका नोटिस वायरल हुआ, उसके बाद में फिर से एक नोटिस और वायरल हुआ है और ये आज की घटना है और मैं तो कहूँगा बड़ी दुखद घटना है, ठीक है। क्योंकि जो पिछली बार का जो नोटिस था उसमें उसको एडिट करा, पर हाँ ये बात है कि उसको अच्छे से किया, वो एडिट तो था पर हाँ अच्छे से था, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से था। बट ये वाला जो मतलब जो इन्होंने एडिट किया है ना, जो आपका मेडिकल के लिए जो आपको अब देखो ऐसा है। सबसे पहली बात तो बहुत से लोग ये होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा जब यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट छोड़ो, फॉर्म की ही बात देख लो, जब फॉर्म की बात आई थी तो डेली आपके डिपार्टमेंट पर नोटिस निकलते थे और जिनकी सत्यता जानने पर पता चलता था कि डिपार्टमेंट में अभी कोई बात ही नहीं है। एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल बाद हो गया, फिर उसके बाद में फॉर्म आते हैं, फिर ऐसे एग्ज़ाम की लगातार कि भाई इस दिन को एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट का नोटिस निकल गया, ये निकल गया। बाद में पता चलता था कि ये सब शरारतें हैं और उसके बाद में अभी मेडिकल में ऐसा हो रहा है। देखिए मेडिकल की अभी कोई भी कुछ भी कहीं से कहीं तक भी बात नहीं है। अगर मेरी आप बात पर आपको यकीन नहीं आता, पहले मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूँ अगर आपको नहीं आता है। ये देखिए ये आज का नोटिस है, कार्यालय अपर निदेशक चिकित्सक स्वास्थ्य मंडल, इस तरीके का ये है। आप कुछ मत करो, आप इसको देखते ही सीधा समझ आओगे। देखो इसकी जो लैंग्वेज है, सबसे पहली बात तो ये जो लैंग्वेज है ये है मोबाइल से टाइप किया हुआ, क्या मोबाइल से टाइप किया हुआ। और दूसरी बात, इस तरीके से भर्ती बोर्ड लिखेगा क्या? सबसे पहली बात तो पुलिस आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 10 मई 2021, पत्र जो पत्र संख्या होती है उसकी एक पत्र संख्या लिखी होती है, उसके सामने कोई पत्र संख्या नहीं है, कुछ नहीं है। 10 मई 2021 को एक पत्र संख्या थोड़ी होती है, डेट होती है। दिनांक 11 सितंबर देख लो कैसे लिखा हुआ है। और मतलब आप पूरी को इन चीज़ों को आप पढ़ोगे ना तो आप ये चीज़ यहाँ तक पढ़ लेना, ये बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ये फेक है। ये क्या है? फेक है। कोई ऐसा नोटिस अभी नहीं आया है। इसमें क्या लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण हेतु नियम अनुसार मंडलीय अपीलीय चिकित्सक बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है। इन्होंने जैसे अभी आपने 2 से 3 दिन पहले देखा होगा, 2 से 3 दिन पहले एक आपका जो है नोटिस वायरल हुआ था मेडिकल का, तो उसके बाद में एक और ये मेडिकल का नोटिस वायरल हो रहा है और भाई ये बिल्कुल फेक है। उसको तो मैं फिर भी ये बोल रहा था कि 10% हो सकता है सही, क्योंकि जो उसको एडिट किया गया था बड़ी सफाई से, तो उसमें ये कहना मुश्किल था। बट हाँ, जो हमने देखिए मैं देखिए साइन भी देख लो भाई, साइन मारेगा कोई एस, ये क्या है? ये साइन है ऐसे करके साइन मार दिया, कोई साइन है? तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात देखिए, जो पिछला नोटिस था उसमें भी अगर आप देखोगे तो पत्र संख्या छुपाई गई। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, कोई चैनल है, पता नहीं कौन है भाई वे, उन्होंने पूरा का पूरा जो है ये डाला है। तो भाई पत्र संख्या छुपा के नहीं डाला, पर भाई आप एक चीज़ बताओ, अगर आपका मेडिकल होना होता आप एक बार अपने CMO, जो आपका CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ पर आप चले जाना ऑफिस में और वहाँ पर जाकर आप पूछ लो कि सर मेडिकल UPSI के कब से हो रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत जगह पता किया है CMOs में, उनका यही कहना था कि अभी हमारे पास में सरकार के द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि भाई आपके मेडिकल इस डेट से हैं। तो जो CMO हैं उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता, फिर ये मेडिकल कहाँ से निकल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और ये ऐसे ऐसे मेडिकल देख कर तो लगता है कि भाई मतलब कैसे पास कर लिया भाई, मतलब मुझे हंसी इस बात की आती है। चलो छोड़ो, एडिट कर दिया होगा कोई उन लोगों में से ही जो मतलब अब क्या कहूँ, पर हाँ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्टेड में से ही होगा कोई उसको ये चीज़ें, क्योंकि जो बच्चे जो जिनका नंबर नहीं आया, जो अनसिलेक्टेड हैं वो लोग गए हैं आपका कोर्ट, ठीक है, वो कहाँ गया कोर्ट, तो उनको डीमोटिवेट करने के लिए ये सब डाला जा रहा है। पर मैं भाई एक चीज़ कहूँगा, जिसने भी एडिट किया है कि भाई साहब मतलब 9534 में आपका नंबर भी कैसे आ गया ये बताओ पहले, मतलब कम से कम थोड़ा सा दिमाग तो लगा लेते। अगर आपको बनाना था, पहली बात तो ये सब इलीगल है, डिपार्टमेंट के नाम पर आप ये सब कर रहे हो, ये इलीगल है। दूसरी बात, अगर आपने शरारत भी की है तो कम से कम ऐसी तो करते कि पकड़े ना जाते, ये साफ आपका लग रहा है कि फेक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। देखिए अगर आपको, देखो आपको मेरी बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए। आपके जिले में जो CMO ऑफिस है, CMO ऑफिस, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर पता कर लीजिए कि भाई आपका जो है UPSI के मेडिकल कब हो रहे हैं। क्योंकि अगर मेडिकल होने होते जो बता रहे हैं, ठीक है ना, जो पिछली बार बहुत से चैनल हैं वो लोग बोल रहे थे कि आपकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक से आपकी जो है
मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इस वीक से मेडिकल स्टार्ट होने होते तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस आ जाता। ऐसा नहीं है कि भाई अगर सैटरडे को या फ्राइडे को अगर आपका मेडिकल होना होता तो भाई अब तक ऑफिशियल नोटिस आ गया होता 2 से 3 दिन पहले, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कम से कम 10 दिन पहले या 12 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि फला जगह आपका मेडिकल है, ठीक है ना। पर अगर नहीं बताया, अगर आप उसमें भी कुछ करो तो 4 से 5 दिन पहले तो बताया जाएगा ना भाई। अब मान के चलो मैं मेरठ से हूँ और या फिर कोई और मेरठ से है, चलो छोड़ो, और उसका मेडिकल है और उसका मेडिकल है लखनऊ, तो भाई कम से कम उसे 2-3 दिन तो दो, वो जाने में अपना जो है ट्रेन की टिकट बुक करेगा, तो ये सब है। तो अगर इस वीक होना होता मेडिकल तो पिछले वीक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया होता। तो भाई अभी मेडिकल की कहीं से कहीं तक कोई बात हमें तो नहीं पता चली। आप अपने CMM ऑफिस में देखो, अगर आपको मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी पानी है ना, आप भर्ती बोर्ड भी मत बात करो, आप सीधा आपके जो ज़िले में CMO ऑफिस है वहाँ पर जाके बात कीजिए कि आपके द्वारा, आपके पास कोई सरकार के द्वारा ये आदेश आया है कि भाई ये आपके मेडिकल होना है, ये होना है, वो होना है। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी, ये सब फर्जी हैं, इनके चक्कर में आप ना फंसो तो अच्छा है, और तो भाई फंस रहे हो तो भाई क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अभी देखिए आप बहुत से लोग कहेंगे कोर्ट के, तो देखिए जो 37-37 जो 37-37 है, और आपका जो है परिहार जी की यार मैं हमेशा इनका रेट का नंबर भूल जाता हूँ, ठीक है ना, और 650 इनका रिजाइंडर आज सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना, आज सबमिट हो जाएगा परिहार जी का भी और इसका भी इसी वीक, इसी सप्ताह, ठीक है ना, और इसकी भी सुनवाई इसी हफ्ते होगी, और इसकी सुनवाई होगी आपकी फाइनल, जो 37-37 वाली है इसकी क्या होगी सुनवाई, फाइनल। मतलब अब फाइनल सुनवाई का मतलब ये है कोर्ट क्या करेगा, मतलब अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, ठीक है ना। कोर्ट क्या करेगा, पहली बात या तो आपकी जो रिट है वो कैंसिल होगी, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, या फिर आपको आएंगे जांच के आदेश, क्या आएंगे, जांच के आदेश। और जो तीसरी बात है, या फिर आपको सीधा री एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, मतलब भर्ती पर आपकी कैंसिल हो सकती है। और हाँ, चौथा, अगर ये जांच के आदेश आते हैं तो भर्ती पर स्टे ऑटोमेटिक लगे जाएगा जब तक जांच की जो जांच है उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। तो ये फाइनल जजमेंट में हो सकता है जो इसी वीक होगी। और परिहार जी की जो है, परिहार जी की भी सेम कंडीशन है, परिहार जी की भी जो याचिका है उसका भी सेम ही कंडीशन है। इस हफ्ते जो आपकी 2 याचिकाएँ हैं उनकी फाइनल बहस होनी है। तो आपने वेट किया इतने टाइम पर, 4 से 5, 6, 9, 10 महीने हो लिया आपको, बस कुछ दिनों की बात है, बस आपको 4 से 5 दिन और वेट कर लेना है, जो इसमें होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग सिलेक्टेड लोग नाराज हैं कि भाई आप इनकी बात कर रहे हो, उनकी बात कर रहे हो, देखिए मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेडिकल के बारे में मैं कुछ प्रोपोगंडा चला रहा हूँ, तो भाई आप किसी की बात पर विश्वास मत करो, ना मेरी का ना किसी का। आप सीधा अपने CMO के पास चले जाओ, तो वहाँ पर जाकर पता कर लो, CMO ऑफिस जो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वहाँ पर जाकर पता कर लो कि भाई आपका ये क्या है, क्या हिसाब है इसका, वहाँ आपको पता चल जाएगा मेडिकल का। भाई हमने, जैसे हमने अपने स्तर पर पता किया है, हमें तो यही बताया गया है कि भाई अभी हमें सरकार के द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं मिला। अब मैं आपको, ये तो है नहीं कि वो बात भी आपको लिखित में लाऊं, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कोई अधिकारी आपको लिख के थोड़ी दे देगा कुछ, आपको ओरली उसने बता दिया, बहुत बड़ी बात है, उसने बोला कि भाई हमारे पास में अभी सरकार के द्वारा से कोई अभी आदेश नहीं है, हमने बोला कि सर इस मंथ आपका मेडिकल होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, आएगी तो बता देंगे भाई, ठीक है। आप कुछ मत करो, किसी पर विश्वास मत करो, ना हम पर ना किसी पर, आप CMO से CMO ऑफिस जाओ, वहाँ से अपना पता कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है, देखिए मैं सिलेक्टेड वालों से भी एक बात कहता हूँ, मैं हमेशा से सिलेक्टेड वालों को हमेशा ये लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। एक चीज़ बताइए भाई, न्यायालय में आपकी जो है याचिका पड़ी है, अब हमारे कहने से क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई एक चीज़ बताओ, हमारा काम है आपका तथ्य रखना, सबूत रखना, ठीक है ना। हमारे द्वारा, परिहार जी द्वारा, सोनू सिंह जी द्वारा, और भी बहुत से लोग जुड़े हैं, तो उनके द्वारा ये यहाँ पर एविडेंस दिए गए, रिजाइंडर दिया गया, सब कुछ दिया गया। अब उसको न्यायालय में जो आपके जज साहब है वो देखेंगे, उनको लगेगा कि भाई इस, ये भर्ती, ये जो रिट है ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई तुक नहीं बनता है, भर्ती में कुछ नहीं हुआ है, बेफजूल की बात है, तो क्या है आपकी रिट कैंसिल हो जाएगी, ये सुन के आपको खुशी होगी। दूसरी बात, अगर जज साहब को शक होता है कि भाई इसमें गड़बड़ है और उनको लगता है कि भाई जांच के आदेश दे दिए जाएं, तो जांच के आदेश दे दिए जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। और अगर जांच के आदेश आएंगे, स्वाभाविक सी बात है भाई, तो स्टे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर जज साहब को लगा कि भाई इस भर्ती में कुछ दिक्कत हुई है, तो वो जाँच के आदेश देंगे,
और जब तक जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं होगी तब तक भर्ती स्थायी रूप से रुकी रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। या फिर सीधा बोल दे कि भाई बड़े स्तर पर वो ही है गड़बड़ी, री एग्जाम, या ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये भाई हमारे कहने से थोड़ी होगा भाई, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई सब कोर्ट के अधीन है। अब सिलेक्टेड वाले लोग तो इसमें खुश हो जाएंगे, अगर पहले नंबर का जजमेंट तब तो आप खुश हो जाओगे ना, मैंने तो आपकी बात भी रखी है, और जो नॉन सिलेक्टेड लोग हैं मैं तो उनकी बात रखी है दूसरे नंबर पे। अब भाई जिसकी जैसी किस्मत है, हम किस्मत को क्या बदल सकते हैं। अभी तो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा ना, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि आप थोड़ा सा राग द्वेष ना गए, क्योंकि थोड़े दिन बाद आप हमारी साइड आने वाले हो, फिर साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, क्यों फालतू की दिमाग मारा भाई। UPSI की ना करेंगे, PCS की कर लेंगे भाई। अब भी बहुत से बात लोगों को बुरी लग जाएगी, तो मैं बात पलट देता हूँ, क्योंकि कोर्ट के दिन बात है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई UPSI के लोग थोड़ी आगे PCS की तैयारी करेंगे अपन, तुम भी आ जाना दरोगा बन के, क्या दिक्कत है। तो कुछ दिन बाद तो आप हमारी साइड आने ही वाले हो, मिलकर तैयारी करेंगे, काहे की प्रॉब्लम है भाई, परेशान मत हो, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो कोर्ट में मैटर नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हो तो आपको माननीय उच्च न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखो अगर इसमें कोर्ट कुछ भी ना करता, कोई केस ना डालता, भर्ती इतनी बदनाम हो चुकी होती, अगर आप कल दरोगा हो जाते, आपसे लोग पूछते आप कौन से बैच के हो, कि हम 2021 बैच के हैं, लोग आपको सख्ती निगाहों से देखते। अगर अब कोर्ट इसको क्लीन चिट दे दे भर्ती को, तो कम से कम ये तो होगा कि अब आपको कोई सख्ती निगाहों से नहीं देखेगा, बोलेगा कि भाई लोगों को लगा इसमें फ्रॉड हुआ है, लोग कोर्ट गए, वहाँ से बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। तो ये चीज़ें देखो ना भाई, फालतू के चक्कर में ना पड़ो। और मेडिकल की जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, मैं किसी का वाला इंसान नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊँगा, चाहे वो फिर सिलेक्टेड को बुरी लगे या नॉन सिलेक्टेड को। देखो मेडिकल की जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बता दूंगा, बट अभी कहीं से कहीं तक मेडिकल की कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है जब तक ये 2-4 रिट है इनका जजमेंट नहीं आएगा फाइनल, तब तक आपका कुछ होने वाला इसमें है नहीं। AP सिंह की भी आपकी इसी वीक हियरिंग हो जाएगी UPSI पर, ठीक है। बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोर्ट से रिलेटेड, जैसे आपका चल ही रहा है, और अगर मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो सही हुई, बेवजह ये नोटिस वगैरह देख के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, अगर कुछ सही इन्फॉर्मेशन हुई मैं आपको बता दूंगा, ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल अगर कुछ हुआ, ये नोटिसबाजी वाले चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ भाई, कुछ ऑफिशियल मिला मुझे कहीं से कुछ पता चला तो ही मैं बताऊँगा। अभी जो मुझे पता चला है, जो मैंने अपने स्तर पर बात करी है मेडिकल की, कोई मुझे अपने पर्सनल जो मैंने जो थोड़ी सी खोजबीन करी है, मुझे अभी अपने पर्सनल लेवल पर कुछ मिला नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इन दैन चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और रुके रहना, अगर आप UP कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की एक गाइड बुक आती है, ठीक है, और ये आपका जो 2022 की कॉन्स्टेबल की बुक आने, जो भर्ती आने वाली है उसके लिए बुक है। नवीनतम पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी, ये आपका प्रीवियस ईयर के टोटल आपके पेपर हैं। आपको पूरा बाकायदा पहले बताया गया है कि इस प्रकार से पिछले वर्षों में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ठीक है, और बाकायदा इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस भी देख सकते हो। UPSI में भी आपने देखा होगा अच्छा खासा मैटर इसमें फंसा था, ठीक है ना। और इसमें चलते जाओगे, MCQs भी हैं, आपका जो है थ्योरी भी दी है इन लोगों ने, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए MCQs भी दिए हैं, तो आपको इसमें थ्योरी भी मिलेगी, आपको इसमें सब चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। और यूपी कॉन्स्टेबल पर ये तो आपकी मैंने गाइड बुक बताई दी। अगर आप भाई मॉक पेपर देने वाले हो, प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हो, तो ये यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हो। चक्षु पब्लिकेशंस की और भी बुक आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये सामान्य हिंदी की स्पेशल बुक आती है यूपी कॉन्स्टेबल की, ये मानसिक अभिरुचि की आती है, ये मैंने आपको गाइड बुक बताई दी है, ये सामान्य हिंदी की बुक है, और ये मूल विधि संविधान की बुक है। अगर आप जो पेपर होने वाला है इसका, अगर आपको लगता है कि मौलवी संविधान में अच्छे से पढ़ूँ, लेटेस्ट पैटर्न में पढ़ूँ, तो आप ये भी ले सकते हो। इन दैन धन्यवाद, जय हिंद, जय।